So, hey there boys and girls and welcome back at again with the Dividend Guys. Pokemon Journeys का Pokemon Journeys का episode 130 आ चुका है and Pokemon Journeys का episode 131 का preview भी आ चुका है. तो episode 130 जो guys Ash vs Leon के battle का second part था जो कि काफी ज़्यादा amazing था and उसके बाद का जो है third part यानी कि episode 131 का preview आ चुका है जो कि Ash vs Leon के final battle का last part होने वाला है. उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि winner exactly कौन रहने वाला है and guys उस preview के अंदर एक और बहुत ही खतरनाक चीज हो चुकी है. जब आप वो preview देखोगे तभी आपको पता चलेगी. लेकिन guys Pokemon Journeys के episode 131 का preview देखने से पहले guys episode 130 से कुछ मैं बात ही करना चाहूंगा यानी कि कुछ स्पॉयलर्स होने वाले. तो अगर आपने अभी तक पोकेमॉन का जर्नीज का एपिसोड 130 नहीं देखा तो ये पार्ट आप सीधा स्किप कर लो एंड सीधा एपिसोड 131 का प्रीव्यू देखो. मैंने टाइम स्टैम्प लगाया है तो गाइस एपिसोड 130 के बाद जो गाइस स्कोरबोर्ड जो कुछ इस तरह का है. आप देख सकते हो ऐश के 2 पोकेमॉन हार चुके हैं, ऐश के 4 पोकेमॉन हैं, उसके आगे जो गाइस लियोन के 3 पोकेमॉन हार चुके हैं, उसके 3 पोकेमॉन अभी बचे जो कि तीनों के तीनों पोकेमॉन फ्रेश हैं एंड लियोन की यानी एंड जो गाइस ऐश के जो 4 पोकेमॉन बचे वो चारों के चारों बैटल कर चुके हैं यानी कि गाइस ऐश जो है डिसएडवांटेज में एंड गाइस लियोन के पास एडवांटेज है बिकॉज उसके तीनों के तीनों पोकेमॉन फ्रेश है. तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना कि आगे क्या हो सकता है. लेकिन फिलहाल गाइस अब हम देखने वाले गाइस पोकेमॉन जर्नीज के एपिसोड 131 का प्रीव्यू देंगे, रिएक्शन करेंगे, ब्रेकडाउन. सो या लेट्स स्टार्ट. सो या गाइस लेट्स स्टार्ट. एंड गाइस यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग में हमें देखने को मिल रहा है ड्रैगनेट एंड रिलाबूम की बैटल हो रही है. यहाँ पर यहाँ पे दोनों की काफी ज्यादा सही बैटल हो रही है. एंड गाइस बैकग्राउंड में वो बंदा कह रहा है कि ये फाइनल बैटल होने वाली है यानी कि ये फाइनल पार्ट होगा. ओ गाइस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ऐश का पिकाचू वर्सेस लियोन का ड्रैगन टाइमैक्स चैरिज़ार्ड हो रहा है. एंड गाइस ये देखने में काफी ज्यादा अजीब है जैसे कि लग रहा है कि इस बकासुर के सामने छोटा भीम को डाल दिया. यहाँ पे छोटा भीम वर्सेस बकासुर की बैटल हो रही है भाई. ये यार मतलब पिकाचू काफी ज्यादा छोटा लग रहा है उसके सामने. ओ भाई ये कैसे बैटल करेगा यार. एंड गाइस ये लियोन के चैरिज़ार्ड की मूव है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो ये ड्रैगन टाइमैक्स हेलफायर है फिर जी मैक्स हेलफायर या फिर जी मैक्स हेल्प फ्लेयर सही उसको कुछ बोलते हैं. जो ये सेम मूव जो है ऐसी बर्ड टाइप चीज हमने देखी थी गाइस ड्रियान्था वाले एपिसोड के अंदर भी लियोन ने यूज किया था एंड उसने मेगा लुकारियो यानी कि मेगा गार्डिवर को हरा दिया था उस एपिसोड में. अब इस एपिसोड में क्या होगा पता नहीं. ओ गाइस एटरनेटस ने ओ भाई वो एक मिनट यहाँ पे वापस लो एटरनेटस ने वो कांच टाइप जो की चीज थी वो तोड़ दिया. एंड गाइस मे बी एटरनेटस ओ गाइस अब एटरनेटस फ्री हो चुका है बेसिकली. ये जो है गाइस ये रायन की जिम है अगर मैं गलत नहीं बोल रहा तो ये वही रायन वाली सीढ़ी है जहाँ पे रायन वर्सेस ऐश की बैटल हुई थी. एंड गाइस फाइनली एटरनेटस फ्री हो चुका है यानी कि मे बी जो कि मैं बोल रहा था गलर वर वो अब हो सकती है मे बी अगर यहाँ पे कोई अगर विलन इन्वॉल्व हो इस चीज़ में या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले एपिसोड में ये शायद से फ्री हो जाए. यहाँ पे वहाँ पे तबाही मचाए पता नहीं मुझे क्या होने वाला आगे लेकिन मजा आने वाला बिकॉज भाई उसने तोड़ दिया. गाइस मैंने पहले ही कहा था कि एटरनेटस को पालतू कुत्ता बनाने की कोशिश मत करो एंड वही हुआ गाइस उसने प्रोटेक्शन तोड़ दिया ना वो भाग जाएगा. भाग गया भाई. एंड गाइस गाइस यहां पे ये वापस से सीन में देखना चाहूंगा एंड वापस लो पीछे लो. एंड गाइस आप यहां पर देख सकते हो गाइस ड्रैगन टाइमैक्स चैरिज़ार्ड के वो जो मुंह है मे बी मुझे नहीं पता ये आग वाला बड़ा सा गोल. एंड यहां पे आप देख सकते हो गाइस ऐश का पिकाचू जी मुंह से उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. मुझे पता नहीं यार जी मुंह से गाइस ऐश का पिकाचू हर बार उड़ने लगता है ये चीज मैं दूसरी बार देख रहा नहीं बहुत बार देखी है भाई. लेकिन भाई देख सकते हो गाइस यहां पे एक बहुत ही बड़ा मतलब जो है ब्लास्ट हो गया. एंड गाइस ऐश का पिकाचू ऐश तो गाइस सही है भाई जो होगा देख लेंगे हारे तो ठीक है अगर नहीं मतलब हारे तो मतलब जीते तो ठीक है अगर नहीं जीते तो फिर भी कुछ नहीं हम अगले रीजन में चले जाएंगे. ऐश का सही है भाई. एंड गाइस सो गाइस दैट्स इट फॉर द प्रीव्यू. ओ माय गॉड इतना अमेजिंग प्रीव्यू था यार. सो गाइस प्रीव्यू काफी ज्यादा अमेजिंग था. प्रीव्यू के अंदर हमने दो ही बैटल्स देखी बेसिकली. फर्स्ट बैटल थी रिलाबूम वर्सेस ड्रैगनेट के एंड सेकंड वाली जो बैटल देखी थी वो सीधा फाइनल बैटल होगी मे बी ड्रैगन टाइमैक्स चैरिज़ार्ड वर्सेस ऐश के जी मूव वाले पिकाचू के बीच में. बाकी की मतलब और भी बहुत ज्यादा पोकेमॉन बचे यानी कि गाइस ऐश के अभी भी 4 पोकेमॉन बचे लियोन के 3 पोकेमॉन बचे यानी कि 7 पोकेमॉन्स की अलग अलग तरीके से बैटल होगी लेकिन वो सब एक प्रीव्यू के अंदर नहीं दिखा सकते मैं समझ सकता हूँ. लेकिन गाइस फाइनल बैटल में मजा आने वाला है. गाइस जो फाइनल बैटल गाइस हमें नेक्स्ट फ्राइडे को देखने को मिलेगी यानी गाइस हमें और 7 दिन वेट करना पड़ेगा लेकिन काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है ये फाइनल बैटल. एंड गाइस फाइनल बैटल के बाद हमें अगली आर्क का मतलब इसके बाद आगे क्या होने वाला है उसका पता तो चल चुका है बिकॉज इंटरनेट इज फ्री हो चुका है. तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ बिकॉज मुझे अभी कुछ भी पता नहीं एक्जैक्टली क्या होने वाला है. सो यहाँ मैंने इसलिए गाइस मतलब प्रीव्यू के बारे में जितनी भी जानकारी देखी थी मैंने बता दी. लेकिन अगर कोई भी और भी मतलब डिटेल्स हो जो कि मैंने मिस कर दी हो तब मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हो बिकॉज इसके ऊपर एक और वीडियो आने वाले तो उसके अंदर वो सब मैं कवर करने वाला हूँ. सो यार दैट्स इट. वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक
करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसे अपने वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड गाइस, अगर आप पोकेमॉन जर्नी एपिसोड 130 का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इस चैनल के ऊपर आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख ही देना। सो या बाय बाय।